नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अवसान मैया, जो कि जिसे अवसान माता या फिर सुहागली माता कहते हैं और कई लोग दुरदुरिया माता भी कहते हैं, तो इसकी पूजा करने के पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप सोच रहे हैं, मन में रखे हैं कि हमें अवसान माता की पूजा करनी, मतलब अवसान माता के लिए सुहागली खिलानी है, सुहागनी खिलानी है, तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं आप सबको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा वीडियो को, और साथ ही साथ चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो पहले ही मैंने अवसान माता की आपको पूजा कैसे करनी है, कुछ पूजा की कहानियाँ भी मैंने बताई है, उसके साथ साथ पूजा से मैं आपको कौन कौन से गीत गाने हैं वो भी मैंने कुछ वीडियो शेयर किए, उन्हें देख लीजिएगा, नहीं देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर डाल दूंगी, तो वहाँ पर भी आप मुझे देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँ। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई लोग क्या होता है कि मन में मांगते हैं कि हमारे मतलब जिसे बदना कहते हैं कि अगर मेरे ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये मेरी मन में जो भी आपके मन में होता है कि मेरे ये गल मुझे ये परेशानी चल रही, ये परेशानी अगर मेरी दूर हो जाएगी तो मैं सुहागनी खिलाऊंगी। अब कुछ क्या होता है कि शादी के बाद सुहागनी खिलाते ही खिलाते हैं, वो अलग हो गया। अब कुछ लोग मांगते हैं कि मेरी माता ये इच्छा पूरी कर दीजिए तो मैं सुहागनी खिलाऊंगी। तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सुहागनी खिलाने के एक दिन पहले आपको सारी सामग्री मंगा लेनी है, जो भी आपको सुहागनी के लिए ज़रूरत होती है, गुड़ चना और पान, सुहाग की सामग्री जो जो आप देना चाहते हैं, साथ ही साथ सुहाग माता बनाने के लिए आपको छुही कहलाती है, वो सफ़ेद कलर की मिट्टी होती है वो आपको चाहिए रहती है, और सुहाग की सारी सामग्री आपको लेना, ज़्यादा सिंदूर लेना, क्योंकि सिंदूर आप वही अपनी मांग पर सारे लोग भरते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा सामान आपको एक दिन पहले ही मंगा लेना है। फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि सुहागनी खिलाने के लिए आपको उस दिन आप मासिक में ना रहें, मतलब आपको पीरियड्स नहीं होने चाहिए, आपको भी पीरियड्स नहीं होने चाहिए, उसके साथ साथ आप जिसको बुला रही हैं, मतलब आपको 7-14 जितनी भी आपने मन्नत मांगी है उतनी महिलाओं को जो इनको आप खिलाने वाले हो उनको ये ध्यान रखना कि वो पीरियड्स में ना हो, इसलिए आपको एक दिन पहले ही उन्हें बता देना है या बुला देना है या आमंत्रित कर देना है कि कल मैं सुहागनी खिलाने वाली हूँ तो आपको आपको आना है। तो वो अगर पीरियड्स में होंगी तो आपको पूछ लेना है या फिर वो खुद बताएंगी, तो आपको जो मासिक में है महिलाएं उनको आपको आमंत्रित नहीं करना, मतलब उनको गिनती में नहीं लेना है। फिर दूसरी बात, आपको भी मासिक में नहीं रहना, वो बात तो क्लियर ही हो गई आपकी। फिर अगली बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि महिला गर्भवती नहीं होनी चाहिए, अगर गर्भवती है तो वो आपको अब उसको गिनती में नहीं लेना, मतलब आपको उसको खिलाने के लिए नहीं बुलाना है। फिर अगली बात, आपको महिलाओं को पहले ही आमंत्रित कर देना ताकि वो कुछ भी खाए पिए नहीं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन मतलब जब जो सुहागले खिला रहे हैं तो मतलब आप केवल नहा धो करके आप आ जाओ, इसलिए सुबह के वक्त ही सुहागले खिलाई जाती हैं। तो अगर और उसके साथ साथ मेन इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दे चुकी हूँ, और हो सके तो सारी महिलाएं साड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और साड़ी पहनकर ही आएं, सोलह श्रृंगार करें आप भी और अगली महिलाएं भी करें। तो इस तरह से आपको सुहागनी खिलाते समय ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सुहागनी जब खिला रहे हो तो आप अच्छे अच्छे गीत गा सकते हो, खूब अच्छा तैयार हो सकते हो, नाच भी सकते हो। तो इस तरह से सुहागनी की जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो जानकारी है, मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आप चाहते हैं तो खाना भी खिला सकते हैं, नहीं चाहते तो केवल आप जो भी गुड़ चना और मिठाई मीठा होता है वो बस खिला सकते हो, और माता की किताब जरूर रखनी है ताकि आप किताब से कहानी पढ़ सको, और वहाँ पर आप बैठकर बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हो, सुन सकते हो, वो बहुत आप सुन भी सकते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा फलकारी है। तो कई लोग मन्नत वाली अवसान माता की, कई लोग क्या होता है शादी के बाद सुहागले कई जगह पर खिलाई ही जाती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सुहागले के बारे में सारी जानकारी दे दी।
मुझे आशा है कि ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा आप सबको सारी जानकारी मिल गई होगी। जो भी और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबको कमेंट में ज़रूर आंसर करूँगी। और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछेंगे तो मैं वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी ज़रूर दूँगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सबको पता है क्या करना है, तो धन्यवाद।